और इस वक्त एक बड़ी खबर छोटे पर्दे से आ रही है। कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो, जिसे प्रोड्यूस बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने किया है, इस शो को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है और ये खबर सलमान खान के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें आपको, द कपिल शर्मा शो की टीआरपी का ग्राफ आ गया है काफी ज्यादा नीचे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर सलमान खान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से हुआ है। ना सलमान खान नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर का रास्ता दिखाते और ना ही इस सीरियल की टीआरपी इतनी ज्यादा खराब होती। अब लोग कह रहे हैं कि सलमान खान ने अपनी जिद की वजह से अपने ही शो की नैया को डुबो दिया है। बता दे आपको, कपिल शर्मा शो दर्शकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा है हमेशा से, लेकिन जैसे ही इस शो से बाहर हुए नवजोत सिंह सिद्धू और सीरियल में हो गई अर्चना की एंट्री, शो की टीआरपी का ग्राफ नीचे आया। इस कॉमेडी शो को लेकर फैंस के बीच से उत्सुकता भी कहीं ना कहीं कम हुई। अब इन सबके बीच में आपको बता दें, कपिल शर्मा शो टॉप 5 से बाहर होता हुआ 9वें पोजीशन पर पहुंच गया है। बीते हफ्ते शो में साहो की टीम आई थी प्रमोशन करने के लिए, मेकर्स को ज्यादा टीआरपी रैंक की उम्मीद थी, मगर अफसोस ये शो 9वें पायदान पर खिसकता हुआ जा पहुंचा। सलमान खान के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये कहा जाता है सलमान खान अपने अकॉर्डिंगली अपने शो बैलेंस करके चलते हैं। अगर सलमान खान ने अपने अकॉर्डिंगली शो को बैलेंस किया, नवजोत सिंह सिद्धू को बाहर किया और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सलमान खान के लिए जरा भी सही नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।